मानव, वो लीगल नोटिस अब तक राम के पास पहुंच गया होगा। बिल्कुल। डैड क्या चाल चली आप? एकदम मास्टर स्ट्रोक। मानव बेटा, मैंने इतना बड़ा एम्पायर ऐसे तो नहीं बनाया होगा ना। आखिर सक्सेस क्या होती है? What is success? Success is talent and intelligence. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा, राम और दिशा जिस गोल्डन फ्यूचर के ख्वाब बुन रहे थे ना, उस गोल्ड में इतनी मिलावट होगी ये उन दोनों ने अपने सपने में भी नहीं देखा होगा। मनिका, जब राम ने लीगल नोटिस पढ़ा होगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि राम को सुनकर कैसे लग रहा होगा कि उसकी अपनी धुनों को कोई और चुराया हुआ क्या। काश, काश मैं राम का उतरा हुआ चेहरा देख पाता। काश मैं उस वक्त उसके सामने होता। हाँ मानो भाई, ये तमन्ना तो मेरी भी है कि मैं राम का मुरझाया हुआ चेहरा देख। वैसे जो तुमने किया वो भी काबिले तारीफ। जिस होशियारी से तुमने दादलानी के ऑफिस से राम के अनरिलीज्ड एल्बम की कॉपी निकाली, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि मेरी ये चाल कामयाबी नहीं होती। कम ऑन डैड, आपके लिए कुछ भी। थैंक यू बेटा। बेटे, ये तीनू शर्मा पे नजर रख। हमारे पूरे प्लान में ये एक बहुत अहम मोड़ है। अगर हम राम की जिंदगी में हलचल लाना चाहते हैं तो इसका रहना बहुत जरूरी। डैड, आप तीनों की फिक्र ना मुझ पर छोड़ दी। एक बात और, मैं चाहता हूं कि तुम कोर्ट के इस मामले को इतना खींचो कि राम अपने एल्बम को रिलीज करने के इंतजार में ना जिंदा रह सके और ना ही मर पाए। राम, सोच कर देखो, क्या तुम्हें टीनू शर्मा याद है? क्या तुम्हें याद है कि तुमने उसे कभी अपनी धुनें सुनाई थी? यार, मैं कह चुका ना, मैं किसी टीनू शर्मा के नाम के आदमी को जानता तक नहीं हूँ। कैसे कैसे लोग होते हैं, जरा भी शर्म नहीं आती। किसी और के काम का क्रेडिट खुद कैसे ले सकते हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। पापा, अब इस तीनों से जाकर मिले ना और उनसे पूछे कि वो क्यों झूठ बोल रहे हैं। अयान, ये तीनू शर्मा अगर मेरे सामने आ जाए ना, मुझे पता नहीं मैं उसका क्या हाल करूंगा। सर प्लीज, अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज अपने आप पे काबू रखिएगा। सर, लीगल मैटर ना हो सर, और अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपका केस खराब होगा। पर अयान, तीनू शर्मा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है पापा ने उसका? सर, आपको कोई दुश्मन तो नहीं म्यूजिक इंडस्ट्री में? ऐसा कोई आदमी जो तीनू शर्मा के जरिए आपसे बदला ले रहा हो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। राम, मुझे नहीं लगता ये किसी तीनू शर्मा ने किया है। मुझे तो लगता है ये किसी ने सोच समझ के साजिश की है तुम्हारे खिलाफ, ताकि तुम्हारा करियर डिस्ट्रॉय हो जाए। साजिश? कैसी साजिश? ऑफ कोर्स दिशा, आई मीन सोच कर देखो ना, राम धुने बना रहा है, ये किसे पता था? सिर्फ हम लोगों को, घर के लोगों को, तो फिर ये बात बाहर कैसे गई? और राम का एल्बम रिलीज होने से पहले एक लीगल नोटिस आ जाता है। ये सोच के देखो, ये
ये किसी टीनू शर्मा ने वगैरह नहीं किया है, इसके पीछे कोई बहुत ही शातिर बड़ा खिलाड़ी है जो ये सब कुछ जानता है, जो ये चाहता है कि राम का एल्बम रिलीज ही ना हो, इसलिए जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है वो। ये बहुत ही सोची समझी चाल है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि टीनू शर्मा को कोई यूज कर रहा है, लेकिन क्यों? एक इंसान है राम, मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर, नहीं बरखा आंटी, नाना जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और आपने भी तो देखा था ना, वो पापा से कैसे माफी मांग रहे थे। वो ऐसा नहीं कर सकते नो। हाँ बरखा, मिस्टर कपूर सुधर गए। मिस्टर कपूर ये घिनौनी हरकत जरूर कर सकते, सोच कर देखो राम, उस दिन जब तुम दिशा और आरू को लेने गए थे घर, तो उन्होंने क्या कहा था कि राम उनको तभी लेकर जाना जब तुम्हारा एल्बम रिलीज हो जाए, है ना? राम, राम ऐसे भी क्या जल्दी, क्या जल्दी? नहीं, मैं सोच रहा था कि दिशा और आरू को तुम एल्बम के रिलीज के बाद ले जाते तो। और बहुत इमोशनल होकर उन्होंने सारी बातें की थी, और तुम भी पिघल गए उनके प्यार में। वो सब एक दिखावा था राम, वो तुम्हें गुमराह करना चाह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि तुम्हारा एल्बम कभी रिलीज ही नहीं होगा, उससे पहले लीगल नोटिस आ जाएगा। ये सब कुछ मिस्टर कपूर का किया धरा है। तुम नहीं जानते राम, वो बहुत ही बड़े खिलाड़ी है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं आरू और दिशा को अपने पास रखने के लिए। मनिका, तुम ईरा और यूवी को समझाओ कि दिशा और आरू के साथ वो झगड़ा ना किया करें। मैं चाहता हूं कि दिशा और आरू को ये फील करवाओ कि ये घर उनका है, आराया नहीं। आई होप ये गलती फिर से नहीं हो। मानव भाई, मेरी ना मिस्टर दादलानी के साथ बड़ी लंबी बात हुई फोन पे। कह रहे थे राम ने कमाल का एल्बम बनाया है। ये भी हो सकता है कि पहले ही हफ्ते में कम से कम 10 लाख डीवीडी बिक जाए। मैं तो तुमसे ये कहूंगा कि तुम राम को अपनी कंपनी में साइन कर लो एक एल्बम के लिए। आज तक मैंने हमेशा राम की कामयाबी में अड़चने डाली, उसकी सक्सेस को रोका है। अब अगर मैं उसको थोड़ी सी हेल्प कर दूं तो आई एम श्योर मेरी अनु की आत्मा को कितनी खुशी मिलेगी, है ना? डैड, आप कहें तो राम को ऑफिस बुला लेते, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। 3 म्यूजिक एल्बम का डील कैसे रहे? हाँ देख लो, अगर राम राजी होता तो व्हाई नॉट। एट द एंड ऑफ द डे हमारी कंपनी के लिए ये एक बहुत प्रॉफिटेबल डील हो सकता है। भाई आखिर एल्बम हिट होती है तो ऑटोमेटिकली राम एक स्टार बन जाएगा, और अगर वो स्टार बन गया उसका रेट तो 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, है ना? अरे दिशा बेटा, आप लोग कब आए? बस अभी अभी आए, थोड़ी देर। इसका मतलब है कि हमारी सारी बातें आप लोगों ने सुन ली। भाई मैं राम को साइन करने की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। After all, मैं एक बिजनेसमैन हूं और हमेशा अपनी कंपनी के फायदे के बारे में। वैसे बात क्या है, मैं राम की कामयाबी के बारे में बात कर रहा हूं और तुम्हारे चेहरे पर रस भी खुशी नहीं?
क्या बात है? नाना जी, पापा के एल्बम पर लीगल नोटिस आया है। लीगल नोटिस? कैसा लीगल नोटिस? अयान, तुमने वो नोटिस देखा? जी बड़े पापा, कोई म्यूजिक डायरेक्टर है टीनू शर्मा, उन्होंने राम सर पे इल्जाम लगाया कि राम सर ने उनकी धुनें चुराई और मिस्टर ददलानी कह रहे थे कि जब तक ये केस सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक राम सर का एल्बम रिलीज नहीं हो पाएगा। ये टीनू शर्मा कौन है? मानव पता लगा और मेरी बात करा उससे। ओके डा। इसकी हिम्मत कैसे हो गई ये राम पर केस करने की? क्या वो भूल गया कि राम आहूजा आनंद कपूर का दामाद है? डैड, अब गुस्सा मत हो। इस तरह के लोगों को मुझे हैंडल करना अच्छी तरह से आता है। ट्रस्ट हमारा। दिशा बेटा, आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। पता नहीं क्या किस्मत है मेरी यार, जब भी सब कुछ अच्छा होने लगता है ना मेरी जिंदगी में, तभी ये सब कुछ बिगड़ जाता है। हाँ दिशा बोल, कुछ पता चला? पापा मुझे नहीं लगता कि मिस्टर कपूर का उस तीनू शर्मा से कुछ लेना देना है, उनका तो हाथ ही नहीं हो सकता आपके एल्बम को रिलीज को रुकवाने में। वो तो खुद आपके लिए म्यूजिक एल्बम को साइन करना चाहते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, नाना जी ने कहा कि वो खुद जाकर उस म्यूजिक डायरेक्टर से बात करने वाले हैं एंड वो सब कुछ सॉल्व कर देंगे। इसलिए आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक होने वाला है। हाँ उम्मीद मुझे भी यही है। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात कर। या बाय। क्या हुआ राम? दिशा कह रही है कि इस सब में मिस्टर कपूर का हाथ नहीं हो सकता। अरे वो तो खुद अपने नेक्स्ट एल्बम के लिए मुझे लेने की सोच रहे हैं। पता नहीं क्यों राम, मगर अभी भी मेरा मन नहीं मान रहा। मुझे अभी भी लग रहा है कि इस सब के पीछे मिस्टर कपूर ही है। अगर अगर दिशा ऐसा कह रही है तो शायद ठीक ही हो। पर राम, अगर अगर मिस्टर कपूर नहीं है तो फिर कौन है? कौन तुम्हें बर्बाद करना चाहता है? अब तो ये सिर्फ टीनू शर्मा ही बता सकता है। दीदी, अगर पापा का एल्बम रिलीज नहीं हुआ तो हमें यही रहना पड़ेगा। कौन कहता है? कौन कहता है कि तुम्हें यहां रहना हो? अगर तुम दोनों चाहो तो राम के घर रह सकते हो, और कहो तो तुम दोनों को मैं छोड़कर आ जाऊं। हां जी, इस वक्त मुझे परेशानी इस बात की नहीं है कि हम पापा के साथ कब रहने वाले हैं। इस वक्त मुझे फिक्र इस बात की है कि पापा की एल्बम का क्या होगा। बड़े पापा, मानव अंकल ने टीनू शर्मा से बात की? हाँ बेटे, मैंने मानव से तो कहा था कि बात कर ले। मानव जी डैड, टीनू शर्मा से बात हुई तुम्हारी? हाँ डैड, टीनू शर्मा तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, साफ साफ मना कर दिया मुझसे मिलने के लिए। कह रहा था कि कोर्ट का मामला है तो जो फैसला कोर्ट में होगा वही होगा। अगर वो नहीं मिलना चाहते तो मैं जाके उनसे मिलूंगी। सवाल मेरे पापा के फ्यूचर का है और मैं हार नहीं मानने वाली। अब रुको, मैं भी चलता हूं। दीदी, मैं भी आऊंगा। नहीं यार, तुम अभी बहुत छोटे हो। दिशा, तुम अयान के साथ जाओगी तो सूरज को भी साथ ले जाना, और हां
अगर उस म्यूजिक डायरेक्टर ने कोई उल्टी सीधी बात की या कोई बदतमीजी की तो फौरन मुझे फोन कर। जी नाना जी, जाओ। चलो दीदी, मैं आपको बाहर तक छोड़ने आता हूं। मानव, कहीं ये टीनू शर्मा अपना मुंह तो नहीं खोलेगा? डैड, मैंने उसका मुंह इतने पैसों से भर दिया कि अभी उसका मुंह खोलने से, आप फिक्र मत कीजिए, वो हमें धोखा नहीं दे। वैसे डैड, हमारी ऑफिस में एक मीटिंग है, वहां चले? आई थिंक वी शुड। अयान, तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही तो है ना? उसके घर पे कॉल किया था तो यही पता चला कि वो इसी बार में। एक्सक्यूज मी, मिस्टर टीनू शर्मा कौन है यहाँ पे? टीनू साहब वहाँ बैठे टेबल पे दोस्तों के साथ। हाँ, टीनू शर्मा। हाँ, मैं हूँ टीनू शर्मा। मैं राम आहूजा की बेटी दिशा आहूजा। राम आहूजा के नाम से कुछ याद आया? वो लीगल नोटिस आपने ही भेजी थी ना? हाँ, भेजा लीगल नोटिस। तो मैं यहाँ ये पता करने के लिए आई हूँ कि आपने मेरे पापा पर झूठा केस क्यों डाला, जबकि आपको पता है कि वो सारी धुने मेरे पापा की हैं। तुम्हारे पापा ने तुमसे कहा कि वो धुने उन्होंने बनाई हैं और तुमने मान लिया। अगर मैं तुमसे कहूँ राम ने तुमसे झूठ बोला था तो वो धुने मैंने बनाई हैं। मिला था राम से एक बार, सुनाई थी उसे अपनी धुने, सोचा था मेरी धुने सुनकर मेरी हेल्प करेगा एल्बम बनाने में, लेकिन मुझे क्या मालूम था मेरी धुने चुराकर अपनी एल्बम निकालने लगेगा। मतलब मेरे हिस्से की सक्सेस से वो नाम करना चाहता है और तुम लोग चाहते हो मैं कुछ भी ना करूं। अपना हक ना मैं राम से लेकर ही रहूंगा, अब चाहे उसके लिए मुझे कोर्ट के चक्कर क्यों ना लगाने पड़े। क्या झूठ बोलती हो तुम अपने मगरमच्छ के आंसुओं के साथ। लेकिन सुनो, तुम्हारा ये जो ढोंग है ना, ये मेरे सामने नहीं चलेगा। सच सच बताओ, बात क्या है, किसके कहने पर कर रहे हो तुम ये? बताओ मुझे, सच क्या है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.